सीजन टू के शुरुआत में हम विकास और प्रहलाद को देखते हैं और ये आदमी भूषण भी इस स्लोगन को लेकर अभी भी गुस्सा है। विकास और प्रहलाद पंचायत ऑफिस आते हैं और दोनों सचिव जी यानी कि अभिषेक को ढूंढ रहे होते हैं और देखते हैं कि वो टंकी के ऊपर है और अभिषेक जब नीचे आता है वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है। वो टंकी में चाय पीने गया था। विकास कहता है अभिषेक आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे हैं। अभिषेक बताता है कि 2 महीने पहले उसे टंकी के ऊपर रिंकी मिल गई थी चाय पीते हुए, पर वो एक बार का ही बात है, अब रिंकी से उसका मिलना होता नहीं है और वो अकेले ही चाय पीने कभी कभार टंकी के ऊपर चला जाता है। विकास और प्रहलाद अभिषेक को टंकी के ऊपर जाने से मना करते हैं, इनफैक्ट वो रिंकी से मिलने से मना करते हैं। अब अभिषेक अपने काम पे बिजी होता है। वह एक जगह पहुंचता है जहां मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे और यहां दूर खड़े विकास और प्रहलाद बात कर रहे होते हैं, कहीं अभिषेक का रिंकी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। अब अभिषेक को परमेश्वर का कॉल आता है जिसे अभिषेक ऑफिस बुलाता है मिलने के लिए, और तालाब की खुदाई के बाद जितना भी मिट्टी निकला है अभिषेक और प्रधान ये परमेश्वर को ही बेचने वाले है, क्योंकि परमेश्वर का ईंट का बिजनेस है। अब मंजू खुद को प्रधान समझने लगती है और कहती है कि वो भी तालाब की खुदाई जाकर देखना चाहती है। ब्रिज कहता है कि वहाँ मंजू जाकर क्या ही करेगी। अब तीनों तालाब की खुदाई से जो मिट्टी निकला है वो परमेश्वर को बेचने का सोचते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि वो मिट्टी को कम दाम में बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, और प्रधान परमेश्वर का दोस्त है इसलिए वो उससे मोल भाव कर नहीं पाएगा। और अभिषेक उसे आइडिया देता है कि मोल भाव करने के लिए अब मंजू देवी को बोलिए। परमेश्वर से मोल भाव करने के लिए अभिषेक परमेश्वर को प्रधान के घर बुलाता है और ब्रिज अपनी पत्नी मंजू को समझा देता है कि 300 के नीचे रेट बिल्कुल भी मत लगाना और कहता है कि वो सभी घर लेट पहुंचेंगे, तब तक मंजू परमेश्वर से रेट फिक्स कर ले। परमेश्वर प्रधान के घर पहुंचता है और मंजू परमेश्वर से पूछती है कि क्या काम है, और परमेश्वर कहता है कि उसे अपने ईंटे के भट्टी के लिए मिट्टी खरीदना है पंचायत से, पर मंजू कहती है आप मुझसे बात कर लीजिए, और 400 रुपया पर ट्रेलर रेट लगाती है, पर मूल भाव करते करते 300 में फाइनल हो ही जाता है। पर परमेश्वर थोड़ा नाराज है और रास्ते में वह अभिषेक और ब्रिज को देखता है और समझ जाता है कि चारों उसके साथ गेम खेल रहे हैं। चारों मंजू से मिलने आते हैं ये देखने के बाद कि परमेश्वर इतना नाराज क्यों था। तभी रिंकी वहां आती है और अभिषेक को हाय बोलती है, और विकास और प्रहलाद ये देख रहे होते हैं, और मंजू रिंकी के साथ अंदर चली जाती है चार्जर ढूंढने के लिए। अभिषेक जाता है परमेश्वर से मिलने, पर वहाँ परमेश्वर होता ही नहीं, और एक मजदूर बताता है कि वो फकौली बाजार गया है और शाम को परमेश्वर बीबीपुर जा रहा है नाच देखने। प्रहलाद और विकास अभिषेक और रिंकी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों के बीच कुछ भी हुआ तो कांड हो जाएगा, क्योंकि प्रधान रिंकी के लिए मलकोपुर वाले लड़के से बात चला रहे हैं, इसीलिए अभिषेक को रिंकी से मिलने के लिए रोकना होगा। फिर दोनों अभिषेक को बीबीपुर चलने को मनाते हैं, कहते हैं कि वो परमेश्वर से बात भी कर लेंगे और नाच भी देख लेंगे। परमेश्वर यहाँ डांस देख रहा होता है और एक डांसर को देखता है हरे ड्रेस में जो उसे लड़के जैसा लग रहा था। अभिषेक विकास प्रहलाद ऑफिस से निकलते हैं और पहुंचने पर देखते हैं कि सब मिलकर शो के मैनेजर से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने एक लड़के से डांस करवाया और सभी को बेवकूफ बनाया। परमेश्वर उन तीनों को वहां देखता है और अभिषेक 280 रुपए में डील फाइनल कर लेता है, और परमेश्वर उन्हें बताता है कि यहां हुआ क्या है कि दो नाचने वाली यहां पर नाच रहे थे, पर एक नाचने वाली तो लड़का निकला और भगदड़ में उस लड़की को चोट आ गई है, और परमेश्वर अभिषेक को बोलता है कि उस लड़की को डिस्पेंसरी ले जाए। फिर अभिषेक उस लड़की को डिस्पेंसरी लेकर जाता है और उस लड़की के लिए अभिषेक पे भी करता है। फिर वो लड़की अपने गाड़ी का वेट कर रही होती है और अभिषेक उसे कहता है कि ये नाचना छोड़ क्यों नहीं देती हो, जिस पर वो लड़की पूछती है आप क्या करते हो। अभिषेक कहता है कि वो फुलेरा गांव का पंचायत सचिव है। लड़की पूछती है कि आपको आपका काम पसंद है। अभिषेक कहता है नहीं, इसलिए वो MBA की तैयारी भी कर रहा है। लड़की इस पर कहती है फिर आप भी एक तरह से नाच ही रहे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं नाच ही रहा है। फिर वो एक लड़की एक गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। विकास और प्रहलाद अभिषेक को कहते हैं कि आप उस लड़की से क्या बात कर रहे थे, लगता है आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पर अभिषेक कहता है जब एक लड़का और लड़की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, ऐसे भी वो यहाँ गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा, वो तो कुछ महीने में ही यहाँ से निकलने वाला है। ये सुनकर विकास और प्रहलाद का मुंह लटक जाता है। फिर विकास को लगता है कि उसे गलती हो गया, उसने अपने अभिषेक सर पे शक किया। अब हम भूषण को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ फुलेरा गांव आ रहा है, पर रास्ते का हालत बहुत ही खराब है और लगता है भूषण फिर से पंचायत को परेशान करने वाला है।
और भूषण सीधा पहुंचता है पंचायत ऑफिस और अभिषेक को बोलता है कि प्रधान जी ने इलेक्शन में वादा किया था कि वो रास्ते को फिर से बनवाएंगे, पर फिर भी कोई काम नहीं हुआ और चाहता है कि अभिषेक प्रधान से बात करे क्योंकि भूषण उस स्लोगन के कारण अभी भी प्रधान से बात नहीं करता। इसलिए अभिषेक पहुंचता है प्रधान के घर और रास्ते को लेकर बात करता है और प्रधान जी बोलते हैं कि उन्होंने वादा तो किया था पर उनके पास उतना फंड है नहीं जिसे रास्ता बन सके। फिर प्रधान अभिषेक को फिर से लौकी देता है। अब ऑफिस लौटते वक्त रास्ते में अभिषेक को भूषण देख लेता है और भूषण अभिषेक से पूछता है क्या आप प्रधान जी से बात किए कि नहीं, पर अभिषेक कहता है कि उसने बात तो किया पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फंड है ही नहीं। भूषण कहता है अभिषेक से कुछ होने वाला है नहीं, वो तो खुद प्रधान की हर बात मानता है। और प्रधान जी के दिए हुए लौकी को देखकर भूषण अभिषेक की बहुत बेइज्जती करता है कि प्रधान जी अभिषेक को लौकी देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और अभिषेक सिर्फ प्रधान की चाटता है। इस बात से अभिषेक को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब से वो प्रधान जी के घर अब थोड़ा कम ही जाएगा। पर एक और काम आ गया है, एक पेपर पे अभिषेक को मंजू देवी का अंगूठा लगवाना है और अभिषेक प्रधान को कॉल करता है और पूछता है क्या मंजू देवी ऑफिस आ सकती है क्या, पर प्रधान जी कहता है कि मंजू कभी भी ऑफिस आई है जो आ जाएंगी और बताता है कि आज रिंकी का जन्मदिन है इसलिए मंजू और रिंकी मंदिर गए हुए हैं और कहता है जाकर वहां मिल लीजिए। फिर अभिषेक पहुंचता है मंदिर और आसपास देखता है वहां भूषण है कि नहीं। फिर वो मंजू को पेपर्स देता है और अंगूठा लगवाता है और देखता है वहां भूषण आ गया है। फिर मंजू अभिषेक को आज रात रिंकी के जन्मदिन वाले पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि उन्होंने सिर्फ कुछ खास लोगों को ही बुलाया है और भूषण ये सब सुन रहा होता है, इसलिए अभिषेक बहाना मारकर मना कर देता है। ये देखकर कि अभिषेक ने पार्टी में आने से मना कर दिया है, प्रधान जी और प्रहलाद पहुंचते हैं पंचायत ऑफिस अभिषेक से बात करने और अभिषेक को आने को बोलते हैं और अभिषेक मान जाता है और अभिषेक रिंकी के बर्थडे के लिए केक खरीदता है। अब पार्टी में जाने से पहले अभिषेक एक प्लान बनाता है कि वो लौकी लेकर जाएगा ताकि अगर रास्ते में अभिषेक को भूषण मिले तो अभिषेक उसे बता देगा कि वह प्रधान जी के घर जा रहा है लौकी लौटाने के लिए। अब अभिषेक पार्टी में पहुंचता है और रिंकी को केक देकर उसे बर्थडे विश करता है और सब केक खाते हैं और सब इंजॉय करते हैं। तब विकास अभिषेक से पूछता है कि आपके बैग में ये लौकी है। तब अभिषेक को प्रधान प्रहलाद और विकास को बताना पड़ता है भूषण के बारे में कि कैसे भूषण ने अभिषेक के नाक में दम करके रखा है। विकास कहता है कि भूषण का यही तो काम है, वो सबको प्रधान जी के खिलाफ भड़काता ही रहता है। फिर अभिषेक अपने घर के लिए निकलता है तो बाहर उसे भूषण मिल जाता है और इसका कोई काम धाम है नहीं क्या। और जब भूषण फिर से अभिषेक की बेइज्जती करता है कि वो प्रधान जी का चाटता है तो अभिषेक इस बार हिम्मत करके भूषण को उल्टा बहुत कुछ सुना देता है और तीनों के बाहर आने के बाद भूषण वहां से भाग जाता है। प्रधान विकास और प्रहलाद का बेटा राहुल ऑफिस में लूडो खेल रहे होते हैं और राहुल आर्मी में है और यहाँ सिर्फ अभिषेक काम कर रहा है और अभिषेक गांव के कई घरों में टॉयलेट सीट लगवा रहा है और अब बस कुछ ही घर बाकी है। तभी गांव का एक आदमी विनोद अभिषेक को कॉल करता है और कहता है टॉयलेट सीट जल्दी भेजने क्योंकि उसका मिस्त्री ज्यादा देर रुकने वाला है नहीं। पर सारे मजदूर टॉयलेट सीट लेकर बाकी घर के लिए निकल चुके हैं इसलिए अभिषेक खुद ही जाने का सोचता है, पर हड़बड़ी में विकास के हाथों वो टॉयलेट सीट टूट जाता है और अभिषेक ये बात विनोद को बता देता है और कहता है अपने मिस्त्री को बोलो चले जाने और बता देता है कि वो जल्द ही नया टॉयलेट सीट लगवा देगा। रिंकी मलकोपुर वाले लड़के से बात कर रही होती है और रिंकी को उस लड़के का बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि रिंकी मैं के जगह हम बोलती है जो उस लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भूषण विनोद को भड़काने लगता है कि तुम्हें पंचायत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए वरना तुम्हारे साथ वो लोग ऐसा ही करते रहेंगे, आज टॉयलेट सीट टूटा है कल कुछ और होगा। बीडीओ अभिषेक को कॉल करता है और बताता है कि कल डीएम मैडम इंस्पेक्शन करने आने वाली है कि अभी भी कितने लोग खुले में शौच करने जाते हैं, जिससे अभिषेक थोड़ा नर्वस हो जाता है और वह पंचायत के लोगों के साथ मीटिंग करता है कि लोगों को कल कैसे रोका जाए खुले में शौच करने से। सब पहुंचते हैं मंदिर क्योंकि मंदिर में लाउडस्पीकर लगा हुआ है और लाउडस्पीकर की मदद से अभिषेक पूरे गांव वालों को सावधान कर देता है कि कल खुले में कोई भी शौच नहीं करेगा, अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसे 500 रुपया जुर्माना देना होगा। अब सब इस टेंशन में है कि अभी भी विनोद के घर में टॉयलेट सीट नहीं लगा है तो ज्यादा चांस है कि वो कल मैदान में ही जाएगा शौच करने के लिए और किसी तरह उसे कल रोकना ही होगा। और प्रधान अभिषेक को बोलता है कि एक दिन के लिए विनोद को ऑफिस में ही बुला लेने शौच करने के लिए, पर अभिषेक मना कर देता है। फिर प्रधान डिसाइड करता है कि जिसका घर विनोद के घर के नजदीक होगा विनोद को वहीं भेज दिया जाए
और इस वजह से बेचारा प्रहलाद फंस जाता है, क्योंकि प्रहलाद का एक घर विनोद के घर के नजदीक है और प्रधान विनोद को मैसेज कर देता है और ये मैसेज लेकर विनोद पहुंचता है भूषण के पास और भूषण फिर से विनोद को भड़काने लगता है कि तुम्हें इन सबको सबक सिखाना चाहिए, इन्होंने तुम्हारा टॉयलेट सीट तोड़ दिया था, और कहता है मुंह ढक कर कल सुबह मैदान चले जाना और तुम ही हो जो उन्हें सबक सिखा सकते हो। अब सुबह प्रहलाद बताता है कि विनोद उसके घर आया ही नहीं, जिससे सब और टेंशन में आ जाते हैं। और अभिषेक प्रहलाद और विकास को बोलता है जाकर विनोद को ढूंढने और देखने कहीं वो मैदान में तो नहीं चला गया। अब डीएम मैडम इंस्पेक्शन के लिए आती हैं और एक आदमी को मैदान से निकलते हुए देखती है हाथ में बाल्टी लेकर, फिर सामने उन्हें मल पड़ा हुआ मिलता है। फिर बीडीओ अभिषेक का बचाव करता है और सिचुएशन को किसी तरह संभालता है और कहता है ये गोबर है। तभी वहाँ विनोद आता है, पर इससे पहले वो कुछ करता विकास और प्रहलाद विनोद को पकड़ कर ले जाते हैं, पर डीएम मैडम ये देख लेती है और विकास और प्रहलाद विनोद को समझाते हैं पर विनोद समझने को तैयार ही नहीं है, उल्टा वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डीएम मैडम को वहां देखते ही तीनों वहां से चले जाते हैं और आखिरकार विनोद के घर में टॉयलेट सीट लग जाता है। अब अगले दिन अभिषेक और विकास नशा मुक्ति अभियान वाले गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं और विकास अभिषेक को बताता है कि प्रधान मंजू देवी और रिंकी मलकोपुर वाले लड़के से मिलने जा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान वाली गाड़ी आती है और अभिषेक उस ड्राइवर को बताता है कि तुम्हें गांव का चक्कर लगाना होगा स्पीकर ऑन करके और ये पर्चे तुम्हें बांटने होंगे, पर विकास देखता है कि ये ड्राइवर खुद ही नशे में है। पर वो आदमी बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये उसका हर दिन का काम है और ये आराम से कर लेगा। पर थोड़ी दूर जाते ही वो एक पेड़ से टकरा जाता है। अब अभिषेक और विकास उस आदमी को ऐसे ही गाड़ी में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो उन्हें अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और वो अभिषेक के बेड में सो जाता है और अभिषेक नाराज हो जाता है क्योंकि वो आज ही नया बेडशीट डाला था। प्रधान जी लड़के वाले से मिलने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उसी गाड़ी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया है, पर मंजू से कहती है कि आज आप काम पे मत जाइए। अब अभिषेक और विकास उस आदमी का नशा उतारने का सोचते हैं और प्रहलाद को कॉल करते हैं पूछने के लिए किस आदमी का नशा कैसे उतारा जाए। प्रहलाद कहता है उसे नहला देने या फिर खाना खिला देने, अब इतने भारी आदमी को कौन नहलाएगा, इसलिए दोनों उसे खाना खिलाने का सोचते हैं, जिसके लिए दोनों थोड़ा चावल बनाने का सोचते हैं। अब प्रधान अपने फैमिली को लेकर पहुंचता है मधुबन बलिया की शान रेस्टोरेंट में लड़के वाले से मिलने और पता चलता है कि लड़के वाले वहां आए ही नहीं हैं और अब बहुत देर भी हो चुकी है, इसलिए प्रधान कॉल करता है और पता चलता है कि लड़के वाले दूसरे रेस्टोरेंट मधुबन बलिया की असली शान में बैठे हुए हैं। प्रधान उन्हें कहता है कि यहाँ आ जाने क्योंकि प्रधान ने यहाँ एडवांस में बुकिंग करा रखा है, पर लड़के वाले नहीं मानते और गुस्से में प्रधान को उल्टा सीधा बोलते हैं और भिखारी तक कह देते हैं, जिससे ऑब्वियसली प्रधान गुस्सा हो जाता है। तो वहीं भूषण फिर से अभिषेक और विकास को तंग करता है और कहता है इस गाड़ी को साइड करने, वो अपने बाइक से इसी साइड से जाना चाहता है और जब अभिषेक और विकास गाड़ी को हटा रहे होते हैं तो भूषण साइड से निकल जाता है, ये नहीं सुधरने वाला। मंजू लड़के वाले को कॉल करती है और बोलती है कि वो अब सिर्फ आधा घंटा वेट करेंगे और अगर आप लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब दोनों किसी तरह उस आदमी को उठाते हैं और खाना खाने को बोलते हैं और अभिषेक उस आदमी को बोलता है कि तुम इतना पीते क्यों हो, और वो आदमी अभिषेक से पूछता है आप कितना कमाते हो, और अभिषेक कहता है 20,000 और वो आदमी बोलता है कि इस 20,000 में अगर आप अपना घर नहीं चला पाओगे और परिवार का ख्याल नहीं रख पाओगे तो आप भी पीने लगोगे, कोई भी शौक से नशेड़ी नहीं बनता, हालात उसे बना देते हैं। तीनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं और अभिषेक उस आदमी की बातों के बारे में सोचते ही रहता है और प्रहलाद को देखता है जो अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहा है। फिर अभिषेक अपने ग्रुप में हाई लिखकर टेक्स्ट करता है और प्रधान जी इस मैसेज को देखते हैं और इस मैसेज का एक ही मतलब है और ये है कि सब रात में मिलकर ड्रिंक करते हैं और देखते हैं उस आदमी को होश आ गया है और वो अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है। प्रधान कहता है शराब अच्छे लोगों को भी बर्बाद कर देता है, इस पर अभिषेक कहता है आज से वो कंट्रोल में ही पिएगा और सब इस पर हंसने लगते हैं। अब पंचायत के तरफ से गांव में CCTV कैमरा लगवाया जा रहा है और मंजू तीज के लिए मंदिर जाने के लिए रेडी होती है और प्रधान छुप छुप कर खाना खाता है, जिस पर मंजू कहती है कि छिप कर खाने की क्या जरूरत है,
फिर एक आदमी माधव आता है ऑफिस में और कहता है कि उसकी बकरी भाग गई है। और अभिषेक पूछता है तो इसमें वो क्या कर सकता है। माधव कहता है सीसीटीवी में देखने कि उसकी बकरी कहाँ गई है। और अभिषेक से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बकरी 2 लीटर डेली दूध देती थी जिससे उसका घर चलता है। इसके बाद अभिषेक फुटेज देखने के लिए मान जाता है और वो माधव को मॉनिटर के सामने बैठा देता है क्योंकि अभिषेक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दिन भर बैठकर फुटेज में बकरी को ढूंढे। मंजू तीज के पूजा के लिए मंदिर पहुंचती है और वहां भूषण की पत्नी भी आती है और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और मंजू अपना चप्पल पहनकर चली जाती है। और रिंकी को आता है मलकोपुर वाले लड़के का कॉल और रिंकू गुस्से में उसे फोन रखने को बोलती है क्योंकि अब उनका रिश्ता टूट चुका है। भूषण की पत्नी देखती है कि किसी ने उसका चप्पल चुरा लिया है और वहाँ एक वैसा ही पुराना चप्पल पड़ा हुआ है। फिर भूषण मंदिर के सामने वाले कैमरा को देखता है और पहुंचता है पंचायत ऑफिस और बोलता है कि फुटेज में देखने कि चप्पल की चोरी किसने की है। और फुटेज देखने पर पता चला कि कोई और नहीं बल्कि ये मंजू देवी ही है जो चप्पल पहनकर चली गई। और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और प्रधान जी से बदला निकालने के लिए FIR करना चाहते हैं। फिर अभिषेक उसे समझाता है कि बात को ज्यादा ना बढ़ाने, ये गलती से हुआ है, पर दोनों मानने को तैयार ही नहीं है और पुराना चप्पल वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब सब प्रधान के घर पे होते हैं और मंजू बताती है कि दोनों चप्पल एक जैसा ही था इसलिए उससे गलती हो गया। और अभिषेक को एक आइडिया आता है कि अगर ये चप्पल यहाँ होगा ही नहीं तो FIR भी नहीं होगा। इसलिए अभिषेक और विकास पहुँचते हैं भूषण के घर और उसके घर के पीछे जाते हैं और उनका प्लान है कि वो चप्पल को घर के अंदर फेंक देंगे। विकास उस चप्पल को फेंकता है पर वो कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक देता है जो घर से दूर एक गली में गिरता है। फिर अभिषेक उस चप्पल को फेंकता है जो घर में तो गिरता है पर लैंडिंग कहीं और होता है जहाँ नहीं होना चाहिए था। दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भूषण गुस्से में पहुंचता है ऑफिस और कहता है कि वो फिर भी FIR करवाएगा और वो ऑफिस जाना चाहता है पर सब उसका रास्ता रोकते हैं। और अभिषेक पूछता है कि अब तो तुम्हारे पास चप्पल भी है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चप्पल का चोरी हुआ है। भूषण बोलता है एक सबूत है और अभिषेक को याद आता है सीसीटीवी फुटेज, इसीलिए अभिषेक अंदर जाता है सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए और भूषण चिल्लाता है कि ऐसा ना करने पर अभिषेक फुटेज को डिलीट कर देता है। पर प्रधान के घर पे मंजू और भूषण की पत्नी लड़ाई कर रहे होते हैं और सब घर पहुंचकर उन्हें रोकते हैं। फिर भूषण की पत्नी बहुत गुस्से में सभी को धमकी देती है कि अगले प्रधान के चुनाव में वो सबको सबक सिखाएगी और अभिषेक उसका चप्पल उसे लौटा देता है और दोनों बोलते हैं कि वो इसका भी हिसाब लेंगे। फिर वहाँ माधव आता है जिसे उसका बकरी मिल गया है और वह अभिषेक को ऑफिस का चाबी देने आता है और मंजू माधव को कहती है कि अगले इलेक्शन में उन्हें ही वोट देने, जिस पर माधव कहता है जरूर पर मेन रोड वाला रास्ता ठीक करवा दीजिए। और मंजू सोचती है कि अगर उन्हें इलेक्शन जीतना है तो ये सड़क को बनवाना होगा। अब प्रधान लौकी लाता है और जाता है विधायक से मिलने रास्ता बनाने के लिए फंडिंग मांगने और अभिषेक जाने से मना कर देता है और विकास बहुत अच्छे से तैयार होकर आया है एकदम परफ्यूम लगाकर। और मलकोपुर वाला लड़का राजीव फिर से रिंकी को कॉल करता है, वो भी अननोन नंबर से, पर रिंकी उसे कह देती है कि अगर वो उसे फिर से कॉल करता है तो वो अपने पापा को बता देगी। अब तीनों विधायक से मिलते हैं और विधायक उन तीनों से ठीक से बात भी नहीं करता, यहाँ तक कि वो विकास को दूर बैठने को कहता है क्योंकि उसने परफ्यूम लगाया है। और प्रधान विधायक से रास्ते के लिए फंडिंग मांगता है पर विधायक देने से मना कर देता है और उन तीनों को भेज देता है अपने लोगों के साथ एक धरने में जहां वो सब रेलवे ट्रैक में बैठेंगे एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के लिए जो फकौली स्टेशन में रुकती ही नहीं है। रिंकी पंचायत ऑफिस आती है अभिषेक के पास और अभिषेक के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और रिंकी अपना प्रॉब्लम अभिषेक को बताती है कि राजीव उसे फोन करके तंग कर रहा है। तो वहीं प्रधान रेलवे ट्रैक में बैठकर धरना दे रहा है विधायक के लोगों के साथ। अभिषेक राजीव का नंबर लेकर उसे कॉल करता है और उसे डराने की कोशिश करता है और अभिषेक कहता है कि वो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा है और उसे धमकाता है कि रिंकी को दोबारा कॉल नहीं करने वरना उसे मजबूरन FIR दर्ज करना होगा। और राजीव डर जाता है और कहता है कि वो फिर से कॉल नहीं करेगा। तो वहीं धरने में पुलिस पहुंच जाती है और वो सबको भगा देती है और विधायक के कहने पर प्रधान विकास और प्रहलाद पटरी पर ही लेट जाते हैं पर उन तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रिंकी और मंजू बहुत परेशान है कि प्रधान जी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा और रिंकी अभिषेक को कॉल करती है। प्रधान विकास और प्रहलाद पुलिस स्टेशन में होते हैं और प्रधान उसे कहता है कि वो फुलेरा गांव का प्रधान है पर वो पुलिस इस बात को सिर्फ मजाक में ही लेता है। फिर वहां अभिषेक आता है और उन्हें छुड़ाता है और तीनों की बाइक लेने के लिए
वो सभी फिर से विधायक के घर जाते हैं, जहां उनके सामने विधायक आता है जो बताता है कि वो खुद उन तीनों को पुलिस स्टेशन से निकालने वाला था। और ये जानकर कि अभिषेक ने प्रहलाद, विकास और प्रधान जी को पुलिस स्टेशन से निकाला है, विधायक अभिषेक को बहुत बुरा भला कहता है और उसे गाली भी देता है। अब ये सुनकर अभिषेक का मूड ऑफ हो जाता है और विधायक प्रधान को बोलता है कि गांव में भीड़ इकट्ठा करने, जहां वो सबको बता देगा कि वो गांव के रास्ते को बनाने के लिए फंडिंग देने को रेडी है। और रिंकी को अपने पापा से पता चला कि आज अभिषेक के साथ क्या हुआ, और रिंकी अभिषेक का नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है उन्हें थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए। पर अभिषेक दुखी है, इसीलिए रिंकी अभिषेक को मैसेज करती है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने। मेन रोड पे प्रहलाद, विकास, चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं गाड़ियों को रोककर, क्योंकि गांव में अखंड कीर्तन होने वाला है जो 3 दिन तक चलेगा। फिर उन्हें मिलता है अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ, जो अभिषेक से मिलने आया है। विकास और प्रहलाद उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सिद्धार्थ पहुंचता है पंचायत ऑफिस, जहां वो अपने पुराने दोस्त अभिषेक से मिलता है। और मंजू चाहती है कि वो प्रधान है, इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा चंदा देना चाहिए, वो भी 20,000 रुपए। और सिद्धार्थ ऑफिस में बैठा बैठा बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो बोलता है खेत में चलने। अभिषेक कहता है इतनी धूप में। फिर गद्दे लेने के बहाने दोनों ऑफिस से निकलते हैं और प्रधान के घर जाते हैं, जहां प्रधान सिद्धार्थ से उसका नाम पूछता है। सिद्धार्थ कहता है सिद्धार्थ। प्रधान चौंक जाता है कि सिद्धार्थ का कोई सरनेम नहीं है। अभिषेक बताता है कि इसका नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। फिर सभी खेत में जाते हैं ड्रिंक करने और सभी खुश होते हैं। फिर प्रधान जी बताते हैं कि अखंड कीर्तन में वो विधायक को बुला रहे हैं। ये सुनकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है, पर प्रधान कहता है कि विधायक को बुलाना जरूरी है, क्योंकि वो ही तो रास्ते के लिए फंडिंग देने वाले हैं। पर अभिषेक और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप सब विधायक के सामने इतना झुकते क्यों हो, उसने अभिषेक को इतना बुरा भला बोला, फिर भी विधायक के सामने किसी का मुंह नहीं खुला। और वो प्रधान को कहता है कि बोलने से दोस्त नहीं बन जाते, दोस्ती निभानी भी पड़ती है। अब सब वापस आ जाते हैं और सभी के चेहरे से खुशी गायब है, प्रधान भी गुस्से में है। अब ऑफिस में अभिषेक अपने फ्रेंड सिद्धार्थ को मुंह लटकाया हुआ देखकर कहता है कि बियर पी लेने। और जब सिद्धार्थ बियर लेने जाता है तो वहाँ एक सांप बैठा हुआ दिखता है और दोनों डर कर ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। अब अभिषेक प्रहलाद को कॉल करता है और प्रहलाद, विकास और प्रधान जी ऑफिस पहुँचते हैं डंडा लेकर और ऑफिस को पूरा छान मारते हैं कि सांप कहाँ है। विकास को अभिषेक के रूम में कुछ दिखता है, पर अभिषेक कहता है कि उसके रूम में सिद्धार्थ का बेल्ट है, शायद विकास ने उस बेल्ट को ही देखा होगा। अब रात हो चुका है और सोने का टाइम हो चुका है और अभी तक उन सबको सांप दिखा ही नहीं, पर अब सिद्धार्थ यहाँ सो नहीं सकता, इसलिए प्रधान सिद्धार्थ को बोलता है उसके घर चलने, जहाँ अभिषेक प्रधान से माफी भी मांगता है और बोलता है कि अगर विधायक को बुलाना जरूरी है तो बुला लीजिए। फिर गांव का लाइट चला जाता है और तभी वहाँ रिंकी आती है लालटेन जलाने और अभिषेक और रिंकी वहाँ बात करते हैं। सिद्धार्थ को लगता है कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच और सिद्धार्थ और अभिषेक सो जाते हैं और सिद्धार्थ तारों के नीचे सो जाता है और कहता है कि वो अब कभी गांव नहीं आने वाला। अब गांव में अखंड कीर्तन के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है और वहां रिंकी आती है अपने दोस्त कविता के साथ। कविता परमेश्वर की बेटी है, जिसके दूल्हे को हमने फर्स्ट सीजन में देखा था, कौन भूल सकता है उसे। और रिंकी अपने पापा से पैसे लेकर मार्केट चली जाती है। फिर तीनों एक आदमी राजकुमार से 2,500 चंदा लेते हैं, जो सर्विस करता है। प्रहलाद अपने बेटे को भी बोलता है पैसे भेज देने के लिए और विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी 20,000 चंदा दे रहे हैं। और ये सब भूषण सुन रहा होता है और भूषण से तो किसी ने चंदा मांगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने उसे कहा ही नहीं देने को। और ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि प्रधान जी उसके साथ गेम खेल रहे हैं। वार्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में प्रधान जी सभी को बताते हैं कि वो अखंड कीर्तन के लिए 20,000 चंदा दे रहे हैं। तभी वहाँ भूषण और उसकी वाइफ आते हैं और बताते हैं कि कीर्तन में वो भी अपने तरफ से मदद देना चाहते हैं। और भूषण कहता है कि उसका टेंट का बिजनेस है, इसीलिए वो 3 दिन के लिए टेंट, लाइट, माइक सब कुछ फ्री में देने को तैयार है, जिसका खर्चा लगभग 30,000 से 35,000 रुपया है, जो प्रधान के दिए पैसों से भी ज्यादा है। और सब भूषण के लिए ताली बजाते हैं। फिर सब मिलकर बात कर रहे होते हैं कि सारा वाह वाह ही तो भूषण ले गया। और मंजू कहती है कि कीर्तन में विधायक को बुलाने, जो रास्ते के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर अभिषेक थोड़ा नाराज हो जाता है, पर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी 3 दिन के लिए घर जा रहा है। वो खुद के लिए टिकट बुक करता है
और रास्ते में उसे रिंकी मिलती है जिसे वो बताता है कि वो घर जा रहा है। पर रिंकी उसे मनाती है और कहती है कि गांव का कीर्तन देख कर जाइए। प्रधान विकास प्रहलाद विधायक के घर पहुंचते हैं और उन्हें कीर्तन में आने के लिए बोलते हैं, पर विधायक बोलता है कि वो जरूर आएगा, बस उस अभिषेक को उसे दूर रखने। जिस पर प्रहलाद विधायक से कहता है कि अभिषेक अच्छे इंसान है, आप उनके बारे में अच्छे से बात करिए। जिस पर विधायक प्रहलाद को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है और जब प्रधान जी विधायक को शांत करते हैं तो विधायक उन तीनों को गाली देने लगते हैं और विधायक उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। पर तीनों भी विधायक को इस बार सुना कर ही जाते हैं। फिर तीनों ऑफिस आते हैं और अभिषेक को बताते हैं कि विधायक के घर क्या हुआ। वो फिर से अभिषेक के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा था, पर प्रधान जी ने इस बार उन्हें बहुत कुछ सुनाया और ये सुनकर अभिषेक को अच्छा लगता है। और प्रहलाद अभिषेक के घर जाने का टिकट लेकर फाड़ देता है और कहता है अभिषेक को रुक जाने, अब तो वो विधायक भी आने वाला नहीं है। फिर सब बियर पीते हैं और सिद्धार्थ को भी वीडियो कॉल करते हैं। फिर प्रहलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा राहुल शहीद हो गया है और गांव में राहुल के डेड बॉडी को लाया जाता है। राहुल के लिए पूरा फुलेरा गांव रो रहा है। फिर वहां राहुल को श्रद्धांजलि देने के लिए विधायक पहुंचता है। असली में वो अपना ही प्रचार करना चाहता है, पर मंजू और रिंकी और गांव की औरतें मिलकर उन्हें भगा देती हैं और प्रहलाद अपने बेटे के चिता को आग देता है। और 3 दिन गुजर जाता है, प्रहलाद अपने घर से निकलता ही नहीं। वो राहुल के जाने के बाद बिल्कुल टूट सा गया है। प्रधान अभिषेक और विकास प्रहलाद से मिलने जाते हैं और वहाँ प्रहलाद खुद को संभाल नहीं पाता और वो रोने लगता है क्योंकि अब उसका कुछ नहीं बचा, उसका सब कुछ खत्म हो गया। और सब मिलकर प्रहलाद को संभालते हैं और लास्ट में मंजू के घर एक लेटर आता है जो असली में पंचायत ऑफिस का था, पर ऑफिस बंद था। फिर मंजू इस लेटर को लेकर रिंकी के पास जाती है और बोलती है लेटर में क्या लिखा हुआ है। और इस लेटर में यह लिखा है कि अभिषेक का ट्रांसफर हो चुका है और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसी विधायक का काम है। और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 यही एंड होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी शोज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।